टेंथ एग्जाम्पल आप करके देखिए, नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इसको भी आपको कराता हूँ। सिंपल है, टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स, और अंदर के टर्म का करेंगे तो जीरो प्लस टू एक्स। इस तरह से आप इसको करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थर्टींथ क्वेश्चन। थर्टींथ क्वेश्चन क्या है, y बराबर a की पावर टेन थ्री एक्स। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट। एक डी वाई बाई डी एक्स, या हम कहें कि अगर a की पावर x है तो उसका अवकलन होता है a की पावर x log a। सिंपल, यहां पर ये a है, ये आपके पास x है पूरा, तो इसका अवकलन कितना होगा, dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x log a। a कितना है, a तो a ही है, ठीक है। ये किसका किया, a की पावर x का। अब जो पावर में x है tan 3x, उसका भी तो करेंगे, तो उसका कितना होगा, d अपॉन डी एक्स टेन थ्री एक्स, ए रेस टू द पावर टेन थ्री एक्स log a। tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x। अब हमने किसका किया, tan x का, अभी x बाकी है, यानी कि PBA वाले मेथड से पावर हो गई, बेस हो गया है, एंगल बचा है, एंगल कितना है 3x, तो d by dx 3x। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना। tan 3x का कितना होगा, ओनली 3। क्यों, कल मैंने आपको बताया था कि ax अगर हो तो a को हम बाहर निकाल लेते हैं, x का उसी के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। अब क्या बचा हमारे पास, 3a की पावर tan 3x log a sec स्क्वायर 3x। इस तरह से इसका आंसर इजीली होगा।